Absolutely. We have with us Lakhvinder Kaur, whose husband Badal Singh was killed in the 1984 anti-Sikhrat case. He, in fact, was one of the victims of the tragedy that took place near the Gurudwara Phulbangash area. She's been fighting the case, and Mr. Phulka was representing her. Lakhvinder Kaur ji, ये केस कम से कम 6 साल से अब चल रहा है, इस वक्त आपको सीबीआई से क्या उम्मीद है? आपको लगता है कि कुछ बदलेगा, क्योंकि दो बार वो अपना नतीजा कोर्ट को बता चुके हैं? उनका कहना है कि इनकी इस केस में जगदीश टाइटर के खिलाफ एविडेंस है ही नहीं। देखो जी, ये तो गवर्नमेंट की सारे कुछ साजिश होती है, जो भी है, जो गवर्नमेंट ने कराया, और गवर्नमेंट चाहती तो अब तक फैसला हमारे को दे देती, और आज लड़ते लड़ते हमारे को 28-30 साल हो गए। बाकी हमारे को कोई उम्मीद नहीं जागी ऐसी, क्योंकि अगर हमारे हक में गवर्नमेंट होती तो गुजरात में 10 साल के बाद फैसला दे दिया, और हमारे को आज 30 सालों के लड़ते लड़ते हैं। इनकी नज़रों में तो हमारे आदमी गए नहीं, और ना ही ये सोचते हैं हमारे आदमी थोड़ी थे, वो तो कीड़े मकोड़े समझते हैं, क्योंकि जो गुजरात में बंदे मारे गए थे उनको इंसाफ मिल गया, वो बंदे थे, हमारे तो वो नहीं थे। बाकी आज जो भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो हमारे को थोड़ी सी किरण जागी है, उम्मीद करते हैं कि कुछ तो समझ सकते हैं लखविंदर जी। लेकिन जैसे फुलका साहब ने 3 विटनेस का नाम लिया कोर्ट में कि इनसे कभी बातचीत हुई नहीं, इस वक्त वो तीनों विटनेस अमेरिका में हैं, आपको लगता नहीं कि अभी आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है? रास्ता तो इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो हमारे विटनेस हैं वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, और जो एक सुरेंद्र सिंह थे उनकी डेथ हो चुकी है। किसी भी बात को जो मौजूद सामने थे उन्हीं को सीबीआई ने झूठा कर दिया, सब कुछ कर दिया, बाकी सब कुछ फैमिली झूठी कर दी कि बादल सिंह की कोई फैमिली नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत है। सारे हमारे आदमी मारे वो भी झूठे हैं, जो हमारे गवाह हैं वो भी झूठे हैं, जो बादल सिंह की फैमिली है वो भी झूठी है, बाकी सीबीआई बहुत सच्ची है। कोर्ट या सरकार कोई भी सीबीआई को मान के बचा रही, उनको जगदीश टाइटलर को बचा रही है, वो तो आपको सभी को बताया कि ये क्या राजनीति है, क्या है, कैसे है, हम समझ सकते हैं। आप पहले भी कह चुके हैं कि कैसे जगदीश टाइटलर को बचाया गया है, लेकिन आपको जो लग रहा है कि ये जो 3 अहम गवाह जिनकी बारे में आप बात कर रहे हैं, वो इस केस का नजरिया पूरी तरह बदल सकते हैं? क्योंकि ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, उसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर उनके अंदर इतनी बात जागे, कोई भाई हमारे भी कोई सिख गया है, कैसे बुरी तरीके से मारा है, तो वो यहाँ पे आके कुछ अपना वो कर सकते हैं, बाकी दूर बैठे का तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। लखविंदर जी, मेरा आखिरी सवाल, लड़ाई अभी भी लंबी है, ये केस अभी चलेंगे, हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, आप एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं? हाँ जी, तैयार हूँ मैं, लंबी लड़ाई के लिए ही तैयार हैं, जो कि तब मेरे को पता चला था कि सीबीआई ने हर चीज़ की रिपोर्ट गलत दी, तभी से मैंने सोच लिया था कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लड़ने के लिए तैयार हैं, लड़ेंगे मरेंगे, जो भी जब तक जिंदे हैं तब तक लड़ते ही रहेंगे, बाकी आगे के लिए भगवान के हाथ में जो भी है। ऑलराइट।